अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में हम लोग एवरेज को डिस्कस करेंगे। एवरेज वाला टॉपिक हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो एवरेज क्या चीज़ है उसकी डेफिनेशन आप लोग देख लें। अ वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा एंड अदर वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट। मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसे हम लोग एवरेज करते कहते हैं। मतलब अगर आप प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरेज आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखी हैं और सम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, जो कि आप पांच जो है ना, अगर आप पेपर में ये भी लिख देते हैं ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे उस क्वेश्चन के। अगर आ जाता है कि एवरेज क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, ये बहुत मतलब ना मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वजह से आप लोग इसे लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। ये सबसे पहले आ जाता है, इट इज़ ईजी टू डिफाइन। मतलब इसे बहुत जल्दी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ईजी होता है इसे डिफाइन करना कि एवरेज को। जब हम लोग एवरेज को देख लेते हैं ना तो फिर हमें जो हमारी पॉपुलेशन है उसके बारे में पता चल जाता है। फिर इसके बाद सेकंड वाला हमें बता रहा है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब इसे समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज़, मतलब ये सारी वैल्यूज़ को ना रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आगे इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, मतलब ये इसे हम लोग टोटल करके सम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर जो है ना हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इस वजह से इसे ना डिवाइड करना, इसे कैलकुलेट करना इजी होता है। अगर फाइव वाला, इट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फार्मूलाज, ये सारा फार्मूला के ऊपर बेस कर रहा होता है। आगे हम लोग इसका देखते हैं टाइप्स ऑफ एवरेज, कुछ टाइप्स हैं एवरेज की। आगे एवरेज की कुछ टाइप्स हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अर्थमेटिक मीन आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, मीडियन और मॉड इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसका ना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस वजह से इसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। तो चले आए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे उससे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये ग्रुप डेटा है या फिर अनग्रुप डेटा है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो अनग्रुप में जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए यूज़ होंगे, और इसी तरह ग्रुप वाले में भी कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्मूलाज है। ये आप लोग देखें, अनग्रुप डेटा के लिए जब हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है तो हम लोग एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स आगे ओवर एन, उसके बाद मेन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एक्स आगे उसके बाद डिवाइडेड बाय एन, ये हम लोग इनडायरेक्ट मेथड के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ए हमारे पास आ जाएगा अज्यूम्स या फिर प्रवीजन, जो हमारे पास डाटा होगा ना उसके लिए हम लोग इसे रखेंगे और इसे ओवर कर देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे वैल्यू के साथ। इसी तरह हमारे पास ग्रुप डाटा आ जाता है जिसमें मेन इज इक्वल टू समिशन एफ एक्स आगे उसके बाद डिवाइडेड बाय समिशन एफ, ये हम लोग डायरेक्ट मेथड के लिए यूज़ करेंगे। और हम जब इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना है तो उसमें हम लोगों ने मेन इज इक्वल टू ए प्लस आगे समिशन एफ डी, ठीक है, फिर जो है हमारे पास डिवाइडेड बाय समिशन एफ आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। आप लोग भी अपनी नोटबुक निकालें और मेरे साथ क्वेश्चन को हल करें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है, दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स गिवन बिलो। आगे ये एक्स वैल्यू हमें दी हुई है, ये जितने भी एक्स हैं ये हम लोगों ने अज्यूम करना है कि ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं ना वो उन लोगों ने हमें बताए हुए हैं। एक्स में हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें आप लोग वैल्यू देखिए, 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48, 36। जब हमने इन सब को प्लस करना है तब हमारे पास समेशन एक्स आ जाएगा। इसको ये जो ई एक्स टाइप लिखा हुआ है इसको हम लोग समेशन एक्स कहते हैं। ये हमारे पास 360 आ गया,
आगे हम लोग फार्मूला देखेंगे। ये ग्रुप नहीं है हमारे पास, ग्रुप में डाटा है क्योंकि 9 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो इस वजह से ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये डायरेक्ट मेथड हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम लोगों ने डायरेक्ट ही सॉल्व करना है, तो इसलिए इसमें जो फार्मूला है वो भी डायरेक्ट का यूज़ होगा। x इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, तो इसे हम लोग लिख के 369 समेशन x की जो है हम लोग वैल्यू लिखेंगे, 360 डिवाइडेड बाय डिवाइड कर देना है जितनी वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इन सबको गिन लेंगे, जो जो 45, 32, 37, 46, 39 जी है ना वैल्यूज है ना, इनको आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हमारे पास वैल्यू हैं जो एक्स वाले फिगर में हैं, ये हमारे पास सारी वैल्यूज 9 है। तो 9 के ऊपर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मेन आ जाएगा 14। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी एक सॉल्व करती हैं, देन क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास है, कंप्यूट द मीन ऑफ गिवन वैल्यूज। वैल्यूज उन्होंने हमें बुक में दे दी हैं, ये जो एक्स वाली वैल्यूज हैं 1.3, 7.0, 3.6, 4.1, 5.0। जब हम लोगों ने इन सब को सम किया, सबको प्लस किया, तो हमारे पास आ गया समेशन 21। तो अब हम लोगों ने फार्मूला लगाना है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स और एन, क्योंकि ये भी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हुआ है, वो ग्रुप डाटा है। ठीक है, अभी मैं आपको ग्रुप वाले करवाऊंगी, इसके बाद हम लोग अनग्रुप को देखेंगे, बारी बारी हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। तो आगे समेशन एक्स जो है वो हमारे पास 21 आया, तो 21 हम लोगों ने उस फार्मूले की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। आगे हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 5 नंबर गिने, तो ये 5 थे, तो हम लोगों ने 5 लगा दिया, और 5 के ऊपर जब डिवाइड किया तो 4.02 आ गया हमारे पास इसका आंसर। सॉरी, आगे हम लोग आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि आप लोगों ने सॉल्व करके उसका जो आंसर आप लोग के पास आएगा वो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। मैं क्वेश्चन आपको इधर लिख देती हूँ बोर्ड पे, तो देन आप लोगों ने उसे सॉल्व करना है, वो भी जो है सेम इसी वाले फार्मूले के साथ अप्लाई होगा, क्योंकि अभी हम लोग इनडायरेक्ट कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया इनडायरेक्ट ही करें, करवाया है तो इनडायरेक्ट ही आपसे भी करवाऊंगी, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने यही फार्मूला लगाना है, लगा के उसे सॉल्व करके देन आप लोगों ने कमेंट में अपना आंसर वो लाजमी शो करना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे पास दो से तीन सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो आप को जिस भी टॉपिक के ऊपर, अगर वो साइंस के है, अगर वो मैथ के है, अगर स्टेट के है, अगर इकोनॉमिक्स के है, अगर किसी भी चीज़ के, जूलॉजी, बॉटनी, तो आप लाजमी बताएं कि किस तरह की, किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, तो इंशाल्लाह उस पे पूरा उतर जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक करना मत भूलिएगा।